इफ्तार में अगर फ्राईंग ना हो तो दस्तरखान बिल्कुल अधूरा रहता है अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है जोया और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बिक्सन का एक मिक्सचर तैयार करना है जिसमें मैंने साबुत धनिया जिसको थोड़ा सा मैंने दरदड़ा कर लिया था इसके बाद हरा धनिया बेसिक से मसाले हैं नमक डड़ा मिर्च चाट मसाला थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन मैंने इसमें इस शामिल की है थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसका एक पतला सा बैटर बना लेना है यहाँ पर जब मैं मिक्स कर रही थी तो मेरी एक और रेसिपी भी रेडी हो रही थी लेकिन टाइम बहुत कम था तो सोचा उसको कैंसिल किया जाए तो यहाँ पर मैं फुल्कियाँ बना रही थी तो ये भी बेसन मिक्स किया हुआ था तो सोचा ये भी इसी में ही इस्तेमाल कर लेती हूँ तो ज़ाया नहीं होगा इस बेसन में मैंने एक चुटकी बस मीठा सोडा इस्तेमाल किया था और आप जानते हैं मीठा सोडा सिर्फ फुलाने के लिए होता है तो आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं इस रेसिपी में मीठा सोडा ज़रूरी नहीं है अब यहाँ पर ये देखिए काफ़ी गाढ़ा है इसको हमने हल्का सा पतला करना है ताकि जो लेयरिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाए अच्छे से हमने मिक्स करना है मसाले जो है ना आप इसमें ज़्यादा ये कम कर सकते हैं फ्लेवर के मुताबिक लेकिन दड़ा मिर्च आपने थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है क्योंकि इसमें पतली सी लेयरिंग होनी है तो अगर मसाले ज़्यादा नहीं होंगे तो जो पतली सी लेयर है वो अच्छे से नहीं लगेगी और आपको फ़्लेवर नहीं आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है पालक के पत्तों को मैंने पहले से धोकर तैयार किया हुआ था तो डंडियाँ मैंने इसके साथ नहीं रखी सिर्फ पत्ते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पतली पतली सी आपने लेयर लगानी है और बस इसको फ्राई करना है फ्लेम को आपने लो टू मीडियम ही रखना है बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना कि एकदम से जाते ही ये कलर आ जाए क्योंकि जिसके पत्ते हैं हमने उनको भी क्रिस्पी करना है तो यहाँ पर झटपट से पालक के जो पत्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है यहाँ पर देखिए थोड़ी थिक लेयरिंग है तो ये अच्छे से कवर है लेकिन अगर आपको थोड़ी कम लेयरिंग पसंद है तो यहाँ देखिए मैंने इसमें कम लेयरिंग के साथ भी तैयार किए हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं बहुत मज़ेदार बनते हैं एक बार रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा मैं इन एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलूँगी लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज